असल वेलकम टू गन नॉलेज एंड मै नीम इज़ फरवाज़ जाहिद द टॉपिक ऑफ़ टूडेज लेक्चर इज़ इंटरनेट चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेट इंटरनेट नर्ट एंड बोल्ड इंटरनेट सर्विस अच्छा लास्ट जो पार्ट वन था इसका जो इंट्रोडक्शन था कम्प्यूटर नेटवर्क का उसमें हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ मैं लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा जो मेरी लास्ट वीडियो थी ठीक है उसमें क्या हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था बेसिकली कि कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के फोर स्टेप्स क्या होते हैं ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था जिसमें लिंकिंग आ गया था लिंक्स हो गए थे नोड्स हो गई थी कितने टाइप्स के लिंक्स होते हैं किस तरह से वो वर्क करते हैं नोट्स क्या होती हैं नोट्स किस तरह की हो सकती हैं नोट होती क्या है वो बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं नोट्स का दूसरा नाम कंप्यूटर्स है डिवाइस है ठीक है फिर हमने पढ़ा नेटवर्क किस तरह से बन सकता है नोड से बन सकता है या नेटवर्क से भी बन सकता है नहीं बन सकता हमने ये देखा था उसके बाद हमने प्रोटोकॉल देखे थे इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल देखी थी उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा लैन क्या होता है वैन क्या होता है एंडिंग हमारी वैन पे थी जहाँ पे हमने बात की थी कि वैन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है इंटरनेट इंटरनेट को ही हम अब फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इंटरनेट क्या है इंटरनेट विद कैपिटल आई ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि एक बड़े

ठीक है कभी भी इंटरनेट की डेफिनेशन ये ना लिख देना कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कैपिटल आई लिखकर आई मतलब बड़ा आए लिखकर इंटरनेट लिख कर तो आगे लिख दिया नेटवर्क और नेटवर्क नो इंटरनेट के आगे एक आ, मतलब एरो बनाकर ठीक है एक एरो बनाकर और देन आप लिखोगे ग्लोबल इंटरनेट ग्लोबल इंटरनेट को जो इसकी डेफिनेशन है ग्लोबल इंटरनेट और ग्लोबल इंटरनेट की डेफिनेशन है ये ठीक है मतलब दूसरा नाम है इंटरनेट ऑफ कैपिटल आई ठीक है अब इससे ज्यादा मैं मजीद नहीं समझा सकती थी नेटवर्क है ऐसा जिसके अंदर आपके पास आ, जो हैं, वो आपस में कनेक्टेड हो मतलब एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट ठीक है नेटवर्क राउटर स्पोर्ट कम्युनिकेशन इनारकल फंक्शन अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि नेटवर्क क्या होते हैं कनेक्ट Connect... यूज डॉक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपके पास एक नेटवर्क है आप नेटवर्क को आप दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करोगे डिवाइसेस के थ्रू नो डिवाइसेस डिवाइसेस तो ऑलरेडी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट है आप नेटवर्क को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करोगे तो उसके लिए आपके पास यूज होंगे ठीक है इसमें कुछ बाउंड्रीज भी हमारे पास आ जाती है ऑफर नीड अदर स्पेशल डिवाइस एट द बाउंड्रीज ऑफ सिक्योरिटी ठीक है सिक्योरिटी के अलावा पास कुछ बाउंड्रीज लगानी पड़ती है कुछ डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं आपको ठीक है और इंटरनेट में मेन क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ नेटवर्क ऐसे इंटरनेट के अंदर सेट ऑफ नेटवर्क होते हैं ऑफ द आईएसपी जो कि आईएसपी के लिए काम कर रहे होते हैं ठीक है प्रोवाइडिंग डाटा कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज ठीक है की इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ नेटवर्क के अंदर हमारे पास आईएसपी क्या कर रहा होता है एक ऐसा हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है ठीक है मेनली नॉर्मल सी बात है कि अगर इंटरकनेक्टेड हम इंटरनेट की बात करें इंटरनेट में क्या हो रहा है हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो कि ग्लोबल इंटरनेट है ठीक है उसके अंदर हमारे पास जो है अगर हम बाहर की बात करें तो क्या होगा कि बाउंड्री से बाहर निकलने के बाद हमें मज़ीद सिक्योरिटी के लिए हमें बाउंड्रीज़ के लिए डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी फिर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राउटर्स होने चाहिए और इंटरनेट हमारे पास क्या करता है एक इंटरनेट कनेक्टेड सेट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती है आई के थ्रू ठीक है और क्या होता है कि इंटर ऑपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉमन कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ठीक है अब कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि इंटरनेट को फेस करने पड़ते हैं वो होते हैं क्या स्केलेबिलिटी जाहिर सी बात है इंटरनेट एक बड़े लेवल पे है बड़े रीजन पे है बड़े एरिया पे है तो हमें स्केलिंग का भी इशू आएगा हीड्रोजेनिटी हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क आ रहे हैं एक दो तीन चार मल्टीपल नेटवर्क हो गए मल्टीपल नोड्स हो गई हैं नोड्स हम कहते हैं कंप्यूटर को ठीक है तो हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हो गए हैं तो जाहिर सी बात है हीट्रोजिनिटी का भी इशू आ सकता है लिंक आपका फास्ट है स्लो है ये चीजें बहुत सारी चीजें यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये बहुत सारे इशूज आपके पास आ जाते हैं चैलेंजेस आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज नेटवर्क आपके पास टेक्नोलॉजीज भी ज्यादा होनी चाहिए इसका भी चैलेंज आगे जाहिर से बात अगर बड़े लेवल पे आप एक काम कर रहे हो तो बड़े लेवल के लिए आपको हार्डवेयर की भी जरूरत है ये नहीं की आपने ओके सो के सॉफ्टवेयर पे काम चला लिया नहीं आपको हार्डवेयर आपको वायर्स की आपको बहुत सारे टिक स्विचेस पीसीज और बहुत सारे केबल कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी बहुत सारा खापेलैट्स थे ठीक है और अब आ जाते हैं इसके आगे के इंटरनेट से फर्दर आगे हम किस किस चीजों को देख सकते हैं तो इंटरनेट के अंदर आ जाते हैं नैटबोर्ड्स व्यू और सर्विस व्यू

कॉलेज की लैब से निकल के मैं आ जाती हूँ मैंने अपने जो कॉलेज का हेड ऑफिस है वहां भेजना है डाटा तो अब क्या होगा मेरा हेड ऑफिस सपोज लाहौर में है और मैं बैठी हूँ यहाँ रावल पिंडी में ठीक है तो अब क्या होगा अब रा, रा, रावल पिंडी से लाहौर जाने तक कि कितने राउटर्स लगे होंगे तो उन राउटर्स तो पास करके मेरा जो डाटा है वो कंपनी नेटवर्क तक पहुंचेगा ठीक है वो कंपनी नेटवर्क तक पहुंचेगा तो क्या होगा तो क्या होगा कि आपका जो डाटा है लेट सपोज ठीक है जैसे ये लोकल एरिया नेटवर्क था मेरा कर्सर कहाँ चला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क था ठीक है वो इधर गया आपके राउटर से पास आउट होकर लाहौर पहुंच गया हेड ऑफिस में ठीक है यहाँ पे मल्टीपल वर्क स्टेशन है मल्टीपल राउटर्स है मल्टीपल सर्वर्स है मल्टीपल मोबाइल स्टेशन भी हैं बेसिकली एक इंटरनेट नोल व्यू की इंटरनेट की कह लो कि एक डायराग्राम दी हुई थी कि इंटरनेट काम कैसे कर का रहा है ठीक है लोकल एरिया से बाहर कैसे जा रहा है ठीक है अच्छा अब आ जाता है इसमें नट नटबोल्ड व्यू होता है क्या इसमें बेसिकली देखो आप नज़र आ रहा है हार्डवेयर भी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मिला के आपके पास जो है वो इंटरनेट बनता है ठीक अच्छा मिलियन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग कम्प्यूटिंग डिवाइस होती है system, होस्ट इक्वल्स टू एंड सिस्टम ठीक है, होते है। में, होस्ट होते हैं वही एंड सिस्टम होते हैं ठीक होस्ट मैंने होस्ट मैंने बताया था कि वो नोड्स भी होती हैं जो नोड्स हम यूज कर रहे थे वो होस्ट भी होते हैं उन होस्ट को एंड सिस्टम भी कहते हैं एंड सिस्टम क्या है वो मैं आगे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है डिटेल में मैं बताती हूँ एंड सिस्टम क्या है एंड सिस्टम भी टू होस्ट मतलब जो होस्ट काम कर रहा है वही एंड सिस्टम काम कर रहा होगा जहां पे भी दोनों में से किसी एक का नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना रनिंग नेटवर्क एप्स अब इसके अंदर नेटवर्क एप्स आपके पास रन हो रहे होते हैं फिर आपके पास आता है कम्युनिकेशन लिंक कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं फर्दर आगे मैंने डिटेल में बताया हुआ होगा मैं आगे बताऊंगी आगे डेफिनेशन मैंने दी हुई है लिंक्स के अंदर आपके पास फाइबर कॉपर रेडियो सेटेलाइट तरह के मल्टीपल लिंक्स आ जाते हैं फिर उसके बाद ट्रांसमिशन रेट होता है बैंडविथ राउटर्स लगे होते हैं अब राउटर्स भी क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगी क्या होते हैं राउटर्स बेसिकली जो रेड वाले हैं इनको राउटर्स कहते हैं फॉरवर्ड अब अभी क्या करते, है? ये करते है? को, को हैं राउटर्स क्या करते हैं आपके पैकेट्स को चंक्स को आगे भेजते हैं पैकेट्स क्या होते हैं पैकेट्स क्या होते हैं आपका जो डाटा है जो डाटा है आई like, नो मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया जो भी आपका डाटा है उसको स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो डाटा और वो जब एक डाटा एक पैकेट एक छोटा सा जो डाटा है ठीक है उसको हम कह देते हैं पैकेट कि ये एक की बन गया ठीक है तो आपकी लार्ज इन्फॉर्मेशन को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देना इट्स मीन कि यू आर कन्वर्टिंग दैट डाटा इंटू पैकेज पैकेट ठीक है उसके बाद आता है एंड सिस्टम क्या होता है एंड सिस्टम रन प्रोटोकॉल विद द इंटरनेट दैट कंट्रोल्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम क्या होता है एंड सिस्टम ऐसा प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है इंटरनेट के अंदर ही एंड सिस्टम क्या करता है होस्ट क्या करते हैं है? कि इंटरनेट के अंदर ही एक ऐसा प्रोटोकॉल रन करते हैं जो कि कंट्रोल करता है कि आपका मैसेज कब जाएगा और कब आएगा ठीक है कम्युनिकेशन लिंक क्या करता है कम्युनिकेशन लिंक एंड सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक एंड सिस्टम क्या कम्युनिकेशन uh, लिंक क्या करता है हमने बात की एंड सिस्टम की एंड सिस्टम क्या कर रहा होता है सेंडिंग रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को देखता है इंटरनेट के अंदर अब उस उसी तरह से हम अगर मल्टीपल एंड सिस्टम देख लें मल्टीपल होस्ट लगा लें तो उनके बीच का जो लिंक होगा वो क्या होगा कम्युनिकेशन लिंक और राउटर क्या होता है राउटर हमारे पास होता है सिस्टम आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू राउटर्स मतलब आपके हाँ पास क्या है कि आपके पास सिस्टम जो है वो मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट है तो उनके बीच में क्या होगा इनडायरेक्ट लिंक होगा तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रीजन से बाहर निकलना है तो मैं अब कंप्यूटर्स ले लेके फिरती रहूँगी तारे लगाती रहूंगी रोड पे मेरी तारे जा रही है नहीं भाई ऐसे थोड़ी होगा वायर सॉरी ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं राउटर्स यूज करते हैं स्विचेस यूज करते हैं राउटर्स यूज करते हैं रिपीटर्स यूज करते हैं ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम आप आगे पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद आता है नट्स पोल व्यू ही आगे आटिन्यू इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं प्रोटोकॉल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए होते हैं लास्ट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ठीक है जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल है टीसीपी आई पी एच ए टी पी एफ टी टीपी एफ ई पी इंटरनेट आ जाता है आपके पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है लूजली हिरारकल है ठीक है लूजली कैसे है लूजली बाउंड है स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है वायर्स नहीं है इसमें और बहुत सारी चीजें नहीं है जिसकी बाउंड नहीं होता लूजली बाउंड है इसकी एक एडवांटेज है इसका ये क्या कह सकते हैं आप लोग फायदा है ठीक है जो भी कह लो ठीक तो आ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है 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 कि ये लूजली बाउंड ठीक इसमें पब्लिक इंटरनेट वर्सेस प्राइवेट इंटरनेट भी होता है आर एफ सी एन आई टी एफ ठीक है उसके बाद आपके पास क्या आता है सर्विस व्यू आएगा मे बी हम्म सर्विस व्यू अब सर्विस कैसे अब सर्विस क्या होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटर इंटरनेट कंप्यूटर कंप्यूटर शेयरिंग डाटा एंड सर्विसेज अभी मैंने यहाँ लिखा क्यों कुछ चीजें ऐसी जो मैं बताऊंगी रजिस्टर पेन पास रखना उसको लिख लेना क्यों क्योंकि हर चीज स्लाइड में नहीं डाली जा सकती स्लाइड में आप टू द पॉइंट बात डालते हो आप समझाते हो वो चीज आप हर चीज स्लाइड में अगर डालने लग जाए तो वो कह लें कि प्रेजेंटेशन का मजा नहीं आता बेसिकली एक प्रेजेंटेशन ही है जो कि मैं डिलीवर कर रही हूँ आप लोग समझ रहे हो ठीक तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप समझाने के लिए होती हैं तो मैं समझा रही हूँ तो पेन पेंसिल पास रखिएगा और लिख्स को लिखते जाइएगा तो सर्विस व्यू बेसिकली काम क्या करता है ठीक है जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था नट्स नट्स पोल व्यू में इंटरनेट काम कैसे करता है कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के इंटरनेट बनाया जाता है इसमें मैं बता रही हूं कि इसमें क्या होता है कि आपके पास इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड नहीं होते कनेक्टेड होते हैं सॉरी इंटर कनेक्टेड मतलब कनेक्टेड होते हैं आपस में और वो कर क्या रहे होते हैं डाटा को शेयर कर रहे होते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं देखो इसमें वही चीज आगे लिखी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा यूज हो रहा है जिसमें आपके पास डाटा शेयरिंग हो रही है फाइल शेयरिंग हो रही है जिसमें आपके पास वेब ई मेल गेम्स ई कॉमर्स अभी सारी चीजें क्या करती हैं सर्विसेस प्रोवाइड करती हैं ये सारी चीजें क्या करती हैं आपके पास हमारे डाटा को शेयर करने के लिए काम आती है ई मेल एप देखो मैं डाटा शेयर कर रही हूँ अपनी फाइल्स ट्रांसफर कर रही हूँ शेयर कर रही हूँ ना तो ये सारी चीजें आपके पास आती है सर्विस व्यू में फिर आपके पास कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू एप्स ठीक है अब कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड होती है क्योंकि कनेक्शन लेस क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस क्या होती है कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है फिलहाल इतना ही है ठीक है तो अब इससे आगे जो फर्दर हम पढ़ेंगे वो है नेटवर्क एज नेटवर्क कोर ठीक है core, और वो भी इंटरनेट के आगे इसके आगे से टाइप्स है वर्ड्स द इंटरनेट सर्विस व्यू नेटवर्क एज ओ नेटवर्क कोर की लहेद से वीडियो मैंने इसलिए बनाने क्योंकि उसको बच्चे अलहदा से सर्च करते हैं मैंने अपने टाइम पर उसको अलहदा से सर्च किया था और वो होता है वीडियो के अंदर मिक्स है तो वो मिलता नहीं है अब मसला ये सारा आता है तो इसलिए मैं उसकी वीडियो के लहदा से बनाऊंगी तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है चैलेंजेस ऑफ़ इंटरनेट क्या होते हैं ठीक है क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं फिर उसके बाद हमने पढ़ा ने व्यू क्या होता है और सर्विस व्यू क्या होता है ठीक इससे आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क एच क्या होता है नेटवर्क कोर क्या होता है मल्टीपल उसके आगे टाइप्स क्या होती है फर्दर उसके आगे लिमिटेशंस क्या होती है ईटीसी ठीक है थैंक यू सो मच